हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 8 अक्टूबर 2018 की प्रीलिम्स अर्बिट्रेज सीरीज में आपका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम 7 और 8 अक्टूबर दोनों की जो न्यूज है वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलते हैं हमारी डिस्कशन की तरफ। सबसे पहले जो आर्टिकल आया है वो आया है स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण अवार्ड के बारे में। देखो, अभी स्वच्छ भारत अभियान आपको पता है काफी टाइम से चला गया था। 2014 में जब बीजेपी की गवर्नमेंट आई थी उसके दौरान इस अभियान को स्टार्ट है वो किया गया था। तो अगस्त के अंदर इसी जो 2018 में जो अगस्त आया था इसमें बेसिकली एक सर्वे किया गया था ऑल इंडिया लेवल पे, जिसमें हर जिले को बेसिकली काउंट किया गया था और जो और भी गांव वगैरह है उनके आधार पे एक सर्वे कंडक्ट किया गया, जिसका मेन मोटो ये था कि भाई देखा जाए कि स्वच्छ भारत अभियान जो चला है इसके तहत स्वच्छ सर्वेक्षण जो हुआ है इसके हाल वगैरह क्या है, मतलब रूरल एरिया में स्वच्छ भारत अभियान ने कैसा काम किया है, टॉयलेट वहां पे बनाए हैं नहीं बनाए हैं, उनका यूज किया जा रहा है नहीं किया जा रहा, साफ सफाई कैसी है, आंगनबाड़ी केंद्र साफ है या नहीं है, स्कूल वगैरह है प्राइमरी स्कूल हो चाहे मिडिल स्कूल हो, इसके अलावा और भी जैसे हॉस्पिटल्स वगैरह है वहाँ की सफाई को सुनिश्चित करने के लिए सर्वेक्षण है वो किया गया था। ये सारा काम हुआ था ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन के अंडर, मतलब ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन जो मिनिस्ट्री है उसके अंडर ही स्वच्छ भारत सर्वेक्षण है ग्रामीण एरियाज के लिए वो अभी कंडक्ट है वो करवाया गया था। तो अभी रिसेंटली कंटेक्स्ट ये है कि स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण अवार्ड है वो प्रधानमंत्री के द्वारा डिसाइड या किसी उनका अनाउंसमेंट है वो किया गया था। तो थोड़ा हम उनको मद्देनजर एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन से स्टेट ने कैसी परफॉर्मेंस रही है, टॉप पे कौन सा रहा वगैरह। देखो, जो हरियाणा है वो सबसे बेस्ट स्टेट के तौर पे बेसिकली उसको अवार्ड है वो दिया गया, मतलब हरियाणा ने स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण अवार्ड में पहला स्थान प्राप्त है वो किया है। इसके अलावा महाराष्ट्र का एक जिला है जिसका नाम है सतारा, तो महाराष्ट्र के सतारा जिले ने ऑल जिलों के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सबसे टॉप है, मतलब जिलों की बात करें तो सबसे टॉप रहा है महाराष्ट्र का सतारा जिला, और ऑल ओवर परफॉर्मेंस देखी जाए तो रहा है हरियाणा टॉप पे रहा है। और सबसे ज्यादा जो लोगों ने पार्टिसिपेट किया है वो क्या है, यूपी से। देखो, ये तो कॉमन सी बात, इसलिए हम थोड़ा मतलब एग्जाम में गेस कर सकते हैं कि यूपी की पॉपुलेशन देश में मैक्सिमम है, तो अगर हिस्से लेने की बात आएगी तो ऑब्वियसली वहाँ के लोग ही ज्यादा वो होंगे। कॉमन सेंस के थ्रू कोई बात हमारे पास ऑप्शन अगर हमें नहीं पता हो तो हम उनको एलिमिनेट कर सकते हैं इस मेथड के थ्रू। अब देखो, बात ऐसी है कि स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण अवार्ड है ये बेसिकली क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही टाइप की जो हम बोल सकते हैं कि सफाई है इसको प्रमोट करने के लिए फोकस करते हैं, ताकि क्वालिटी वाले साफ सफाई वो भी होनी चाहिए और क्वांटिटी के अकॉर्डिंग, मतलब ज्यादा एरिया भी कवर करना है और अच्छी साफ सफाई भी करनी है, इन दोनों ही चीजों पर फोकस है बेसिकली रहता है। अब देखो, गवर्नमेंट ने जो सर्वे किया है इसमें ऐसा तो नहीं है कि गवर्नमेंट ने हर जिले में जाके या हर गाँव में जाके बेसिकली कंडक्ट कर पाई है। इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, तीन तरह के पैरामीटर्स यूज किए हैं जिनके आधार पे टोटल स्वच्छ भारत स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण अवार्ड है वो दिए गए हैं। जैसे कि जो 30% जो वेटेज है इस सर्वे का वो बेसिकली एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि जो पब्लिक एरियाज हैं गवर्नमेंट के, जैसे कि बस स्टैंड हो गया, हॉस्पिटल्स वगैरह हो गए, ऐसी जगह पे गवर्नमेंट ने जाके सर्वे वगैरह है वो किया है। इसके अलावा 35% जो वेटेज है इसके सर्वे में वो बेसिकली जो लोग हैं उनके द्वारा फीडबैक लिया गया है, मतलब देश के नागरिकों के द्वारा फीडबैक लिया गया है, जगह जगह जाकर उनसे पूछा गया है, तो 35% वेटेज इस चीज का रहा है। और 35% जो वेटेज और रह गया जो बचा हुआ था वो बेसिकली जो साफ सफाई के जो स्टैंडर्ड्स वगैरह हैं उनके बेसिस पे तय वो किया गया। तो इन तीन पैरामीटर्स के आधार पर टोटल 100% वेटेज है वो तैयार हुआ है और उसी के आधार पर स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण अवार्ड है वो डिसाइड है या उनका नाम है वो बेसिकली जारी किया गया है। अब हम जोनल रैंकिंग की बात करें तो देखो, नॉर्थ इंडिया के अंदर जोन की बात करें तो हरियाणा टॉप पे रहा है, इसके साथ ही साउथर्न एरिया है साउथर्न जोन की बात करें तो उसके अंदर आंध्र प्रदेश टॉप रहा है, ईस्टर्न जोन के अंदर छत्तीसगढ़ टॉप रहा है और वेस्टर्न के अंदर गुजरात टॉप रहा है और नॉर्थ ईस्ट के अंदर सिक्किम। देखो, जैसा हम जानते हैं, मैं आपको एक्सटेंट में बता दूं यहाँ पे कि नॉर्थ ईस्ट जो जोन है वो बेसिकली जोनल एक्ट के तहत नहीं आता है, उसके लिए अलग से स्पेशल जोनल एक्ट आया था। तो ये हमें ध्यान रखना है कि हमारे देश में वैसे तो बेसिकली 5 जोन है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट और बीच में एक हो जाता है सेंट्रल, बट यहाँ पे एक अहम बात आती है वो आते हैं नॉर्थ ईस्ट का। नॉर्थ ईस्ट का जोन है वो अलग से उसके लिए एक्ट आया था और उसके आधार पर बनाया गया था, तो टोटल और 6 होते हैं बट 5+1 के आधार पर अपने को याद रखना कि 5 का एक्ट एक साथ आया था और नॉर्थ ईस्ट के लिए अलग से नॉर्थ ईस्ट जोनल एक्ट है वो बनाया गया था। इसके साथ ही यूनियन टेरेटरीज में दादरा नगर हवेली है उसने टॉप स्थान है वो प्राप्त है वो किया है। अब हम बात करें यहाँ पे जोनल रैंकिंग की, देखो जोनल रैंकिंग की बात करें जिले के आधार पे तो नॉर्थ जो जोन है इसके अंदर रेवाड़ी ने सबसे टॉप स्थान प्राप्त किया है हरियाणा में, और साउथर्न जोन की बात करें तो वहां पे पेड्डापाली जो कि तेलंगाना के में आता है, और ईस्टर्न की बात करें तो छत्तीसगढ़ का एक जिला है जिसका नाम है सूरजपुर, और वेस्टर्न की बात करें तो हमने देखा था कि ऑल इंडिया में भी सतारा जिले ने टॉप है वो की है,
और नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो उसमें तवांग जिला जो कि अरुणाचल प्रदेश का बेसिकली एक जिला है। अब देखो आप एक चीज ये बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन बनता है आपके लिए कि इंडिया का पहला ऑर्गेनिक फार्मिंग वाला स्टेट कौन सा था, जिसने ऑर्गेनिक फार्मिंग को स्टार्ट है वो क्या था, तो इसके बारे में आपको बताना है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को कौन से स्टेट ने सबसे पहले अलाउ है, वो क्या है, उसके द्वारा इसकी स्टार्टिंग है वो की गई है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वह है डीजी यात्रा के बारे में। तो देखो कंटेक्स्ट ये है कि डीजी यात्रा जो प्रोग्राम है वो बेसिकली सिविल एविएशन मिनिस्ट्री का एक प्रोग्राम है, फ्लेक्सिबल प्रोग्राम है। अब है क्या इसका, इसका देखो मेन मोटिव ये रखा गया है कि देखो जब भी कोई आदमी एयरपोर्ट से ट्रेवल करता है तो उसको जो भी वेरिफिकेशन वगैरह करवाना हो या फिर बोर्डिंग पास वगैरह बनवाना हो या फिर हम एक तरीके से बोल सकते हैं टिकट बुकिंग करवानी हो, एयरपोर्ट में एंट्री लेनी हो, ये सारे काम डिजिटल हो जाएंगे। मतलब वहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको ह्यूमन इंटरफेस की वजह से ज्यादा टाइम आपका वेस्ट है, वो नहीं होगा। इसीलिए सारे काम डिजिटल हैं वो किए गए हैं, बायोमेट्रिक बेस्ड डिजिटल प्रोसेस को रखा गया है और उसका नाम क्या है, डीजी यात्रा। मतलब आपको यात्रा करने के लिए ज्यादा ताम झाम की जरूरत नहीं रहेगी, सारा काम डिजिटल हो जाएगा। जो टिकट बुक करनी है वो भी डिजिटल हो जाएगी, एयरपोर्ट की एंट्री है उसके लिए आपको डिजिटल कार्ड मिल जाएगा और इसके साथ बोर्डिंग पास वगैरह है वो सब डिजिटल रहेंगे। मतलब आपको कहीं पेपर वगैरह इन चीजों की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, इसके लिए डीजी यात्रा प्रोग्राम है वो स्टार्ट किया गया है। अब देखो इसका फायदा क्या होगा, एक तो इसका फायदा ये हो जाएगा कि जो टिकट्स वगैरह हैं इनके लिए फालतू की टाइम वेस्ट वगैरह नहीं होगा, अदरवाइज टिकट की लाइन में लगे रहो वगैरह और एयरपोर्ट पे एंट्री करनी होती है तो वहाँ पे आईडी कार्ड वगैरह है उनकी भी ज्यादा सहूलियत रह जाएगी और बोर्डिंग पास के लिए भी लाइन वगैरह नहीं होगी, हम कहीं से बोर्डिंग पास वगैरह को जनरेट कर सकते हैं, टाइम भी बचेगा और जल्दी और सेफ यात्रा है वो रहेगी, जैसे बोर्डिंग पास खोलने वगैरह का भी इशू यहाँ पे नहीं रहेगा। तो एक तरीके से बायोमेट्रिक जो डाटा होता है उसके आधार पर डिजिटल प्रोसेस रखी जाएगी पैसेंजर्स की एयरपोर्ट पे, उसके लिए डीजी यात्रा जो प्रोग्राम है वो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के द्वारा स्टार्ट है वो किया गया है। तो अभी कंटेक्स्ट यह है कि सिविल एविएशन मिनिस्ट्री जो उड़ियन हमारा मंत्रालय है, उड़ियन मंत्रालय, उसने अभी डिसाइड किया कि भाई देखो 2019 की जो फरवरी है उस टाइम तक हम बेंगलुरु और हैदराबाद एयरपोर्ट को डीजी यात्रा के तहत कंप्लीट मतलब कन्वर्ट कर देंगे, इसके बाद धीरे धीरे बाकी और भी एयरपोर्ट हैं उनको कन्वर्ट है वो किया जाएगा। तो ये ध्यान रखना कि डीजी यात्रा किससे रिलेटेड है, क्या इसका मेन मोटिव वो रखा गया है। अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन बनता है वह आपके लिए मैच द फॉलोइंग, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है एडिशनल इन्फॉर्मेशन के साथ। जैसे आपको ये बताना है मैच द फॉलोइंग में, पहला आपके सामने दो ऑप्शन है, एक तो है पेरिस कन्वेंशन और एक है WTO, इनको आपको अरेंज करना है कि कौन से मैच वगैरह होगा। तो मैंने यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए हैं कि पेरिस कन्वेंशन है वो ट्रिप से रिलेटेड है और WTO है वो IPR से रिलेटेड है। अब आपको बताना है कि दोनों सही है या गलत है, और दोनों को अगर गलत है सही है तो इनको अरेंज करना है कि कौन सा किसके लिए होगा। इसके साथ ही एक क्वेश्चन आपके लिए है कि देखो रिसेंटली काट्सा काफी न्यूज में रहा है, CAATSA, तो आपको बताना है कि CAATSA है क्या, है किससे रिलेटेड है, क्या कोई डिफेंस सिस्टम है या फिर कोई निहाज है जो प्लेन वगैरह है वो है या क्या है, इसके बारे में आपको कमेंट बॉक्स में बताना है दोनों चीजों के बारे में, काट्सा और इसी के साथ ही इन दो क्वेश्चन के बारे में। अब हम चलते हैं अगला हमारा जो आर्टिकल है उसके बारे में। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो है GITEC के बारे में। तो देखो GITEC है वो बेसिकली अभी आया है मैंगो के लिए। देखो जो आमों का जो राजा होता है जिसको बोलते हैं बेसिकली हाफूस या अल्फांसो, बेसिकली जो ओरिजिनल नाम होता है अल्फांसो बट उसे हाफूस नाम से भी जाना जाता है जो कि महाराष्ट्र का काफी फेमस है। तो देखो महाराष्ट्र के कुछ जिले हैं जैसे 5 जिले हैं बेसिकली, वहाँ के जो अल्फांसो आम है उनको GITEC वो दिया गया है। एक तो महाराष्ट्र का रत्नागिरी जिला है, एक सिंधुदुर्ग है, एक पालघर है और एक थाने है और एक रायगढ़ है। इन जिलों में तो ऑलरेडी GITEC दिया हुआ है कि भाई यहाँ के जो हाफूस आम है या फिर जो अल्फांसो आम है उनको GITEC मिला हुआ है। बट अभी रिसेंटली कोकण जगह के भी जो आम है वहाँ के आमों को भी GITEC है वो दिया गया है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब कोकण आता कहाँ पे है, कोकण आता है बेसिकली गोवा वाले एरिया में, तो ये हमें ध्यान में रखना है कि भी गोवा के अंदर भी आम है उनको भी GITEC यहाँ पे दिया गया है। अब सबसे पहली बात यह थी कि भाई जो GITEC है वो होता क्या है, कौन सी मिनिस्ट्री वगैरह के अंतर्गत आते हैं, ये काफी अहम है वो हो जाते हैं। देखो GITEC का मतलब होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग, जैसे ये मान लो किसी भी एरिया की कोई चीज फेमस हो और वो चीज उसी ज्योग्राफी में पैदा हो रही हो तो उसके लिए GITEC दिया जाता है ताकि वहां की उस चीज को सिक्योर किया जा सके कि कोई और आदमी उस चीज को ना बेच सके दूसरे नामों से, फर्जी नामों से। जैसे कि क्या होता है आसाम की दार्जिलिंग की चाय वगैरह, तो मतलब आसाम की चाय मतलब उसकी चाय का एक स्पेशल टेस्ट और एक यूनिक चीज है वो केवल उसी एरिया में बनती है। ऐसा नहीं है कि आप हरियाणा के अंदर चाय बनाओ और उसको बेच दो कि भैया आसाम की दार्जिलिंग वो आसाम की चाय वगैरह,
क्योंकि उसको टैग मिला हुआ कि वहाँ की ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग वो शूट करती है और उसकी सिक्योरिटी के लिए जी आई टैग दिया जाता है, क्योंकि और आदमी उसका फर्जी नाम यूज करते हुए उसको नहीं भेज सके, क्वालिटी को इंश्योर वो किया जा सके, तो इसलिए जी आई टैग बेसिकली दिया जाता है। देखो जी आई टैग हो, चाहे कॉपी राइट हो, चाहे ट्रेडमार्क हो, ऐसे जो भी काम है ये सारे आते हैं कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के अंदर। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री है, इसके अंदर का एक डिपार्टमेंट था डी आई पी पी, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन। इस डिपार्टमेंट के अंदर ही बेसिकली जी आई टैग वगैरह वो अलोकेट हो किए जाते हैं कि किसको जी आई टैग देना है नहीं देना है, काफी क्राइटेरिया होते हैं उसके बेसिस पे। तो पहला तो हमें ये ध्यान रखना है कि अभी रिसेंटली जी आई टैग हो किसको दिया गया है, इसके बाद में ये ध्यान रखना है कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, और इवन आई पी आर हो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हो, या फिर हम बात करें यहाँ पे कॉपी राइट्स वगैरह की हो, वो सारे ही डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन के अंतर्गत बेसिकली आते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में। देखो अभी रिसेंटली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का एक सर्वे वगैरह काफी न्यूज में भी रहा है बेसिकली, तो हम थोड़ा इसको डिस्कस है वो कर लेते हैं। सबसे पहला काम है देखते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का काम है क्या और क्यों इसे बनाया गया था। देखो बेसिकली जब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाई गई थी तो इसका मेन फोकस ये रखा गया था कि भाई महंगाई को कंट्रोल करना है, मतलब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी महंगाई को ज्यादा फोकस करते हुए चलती है। और अभी टारगेट ये रिसेंटली कि महंगाई है वो 4% पे प्लस माइनस 2 हो सकती है, मतलब महंगाई अभी एवरेज होने से उसका 4% या तो 4% से 2 ज्यादा, मतलब 6% तक जा सकती है, और कम से कम महंगाई होनी चाहिए 2% तक, माइनस 2 होकर 2। तो ये ध्यान रखना कि महंगाई अभी हमारे देश में टारगेट रखा गया है कि कम से कम 2% महंगाई होनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 6% महंगाई होनी चाहिए, इससे ज्यादा महंगाई है वो नहीं हो सकती है, अगर होती है तो उसको मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा कंट्रोल है वो किया जाता है। अब देखो जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है इसमें बेसिकली 6 मेंबर होते हैं, 3 मेंबर तो होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से और 3 मेंबर होते हैं इसमें आरबीआई की तरफ से। बट अहम बात क्या है कि जो 3 मेंबर गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं ना, वो एक्चुअली गवर्नमेंट खुद नहीं अपॉइंट करती है, वो भी एक तरीके से इनडायरेक्टली आरबीआई की तरफ से ही अपॉइंट है वो किए जाते हैं, मतलब उसमें डायरेक्टली गवर्नमेंट का हस्तक्षेप है वो नहीं होता है। तो ये आपने ध्यान में रखना है कि भाई सिस्टम होता क्या है, ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट खुद अपॉइंट करती है इन लोगों की, हाँ भाई हमारी तरफ से ही है, क्योंकि आरबीआई डिसाइड करती है, थोड़ा बहुत क्राइटेरिया होता है उनके बेसिस पे कि किसको अपॉइंट वगैरह करना है। अब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कैसे कंट्रोल करती है महंगाई वगैरह को, देखो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है वो रेपो रेट होती है, रिवर्स रेपो रेट होती है, बैंक रेट होती है, केस रिजर्व रेशियो होता है, एसएलआर होती है, इनके बेसिस पे क्या है मार्केट में जो पैसा है इसके इन्फ्लुएंस को कंट्रोल करती है, मतलब मार्केट में पैसा ज्यादा आना है कम आना है इस चीज को रेगुलेट किया जाता है, और उसी के बेसिस पे हमारे देश में महंगाई को कंट्रोल है वो किया जाता है। अगर मार्केट में पैसा ज्यादा है तो लोगों की परचेजिंग पावर ज्यादा होगी, इसका मतलब महंगाई ज्यादा बढ़ सकती है, और अगर वहीं पे महंगाई को कम करना है तो इसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए अलग अलग कॉन्सेप्ट्स का हर बार यूज है वो किया जाता है, तो उसके बारे में एक अलग से वीडियो में डिस्कस है वो करेंगे। अब देखो बात ऐसी है कि जो 6 मेंबर होते हैं इसमें चेयरपर्सन होते हैं वो होते हैं आरबीआई के जो गवर्नर होते हैं वो, तो ये चीज हमें ध्यान में रखनी है। अब इसमें 6 मेंबर्स होते हैं वो बेसिकली सर्च कम सिलेक्शन कमेटी होती है, जो कि कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं वो, इसके साथ ही आरबीआई के गवर्नर होते हैं और इसी के साथ इकोनॉमिक अफेयर के सेक्रेटरी होते हैं, और 3 एक्सपर्ट मेंबर होते हैं इकोनॉमिक या बैंकिंग सेक्टर की। तो बेसिकली इन 6 मेंबर्स के आधार पे सर्च कम सिलेक्शन कमेटी होती है वो एक तरीके से अपॉइंट है इनको करती है। अब अहम बात यहाँ पे आती है इनके कार्यकाल की, तो देखो इनका जो कार्यकाल है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के मेंबर्स का वो बेसिकली 4 साल होता है, और सबसे अहम बात क्या है कि दोबारा अपॉइंट नहीं हो सकते, मतलब नो रीअपॉइंट, मतलब दोबारा अपॉइंट करने की इनका कोई मेथड या कोई भी ऐसा प्रोविजन अलाउ नहीं किया गया है अभी तक। तो यह ध्यान रखना है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के जो मेंबर्स होते हैं वो 4 साल के अपॉइंट किए जाते हैं और एक ही बार अपॉइंट होते हैं, फिर दोबारा अपॉइंट उनको नहीं किया जा सकता। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वह है इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल को लेके। तो इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल है IISF 2018, ये बेसिकली रिसेंटली अभी दिल्ली में आयोजित है वो किया जा रहा है, तो ये हमें ध्यान में रखना है 5 से 8 अक्टूबर के बीच में इसको आयोजित है वो किया जा रहा है, तो थोड़ा एक इम्पोर्टेंट फैक्ट हमारे लिए बन जाता है। सबसे अहम बात क्या है, इसकी थीम क्या है, सॉरी न्यू दिल्ली में नहीं, इसको लखनऊ में आयोजित है वो किया जा रहा है, ये ध्यान में रखना है। इसकी इस बार की थीम है वो है साइंस फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब जो भी परिवर्तन वगैरह लाने हैं वो साइंस के तरीके से हम यहाँ पे लेके आएंगे, तो ये चीज हमें ध्यान में रखनी है कि परिवर्तन के लिए विज्ञान है वो बेसिकली बनाइए, तो इस थीम वगैरह फैक्ट है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब है क्या, देखो ये इंडिया
इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल इंडिया का एक बिगेस्ट प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे काफी सारे स्टूडेंट आते हैं, रिसर्चर्स आते हैं, आर्टिस्ट आते हैं। इसके साथ ही हम बात करें तो जनरल जो पब्लिक आती है, सिविल मतलब आम जनता है, वो यहाँ पे आके आपस में मिलती है और एक तरीके से हम सेलिब्रेट किया जाता है कि भाई हमारे देश ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सेक्टर में कितना अच्छा काम वगैरह किया है। मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो उपलब्धियां हैं वो इस मौके पे गिनाई जाती हैं, उसको एक तरीके से उनके बारे में खूबियां वो बताई जाती हैं। इससे फायदा क्या होगा, इसका बेनिफिट ये होता है कि लोगों का साइंस के प्रति अट्रैक्शन है वो बढ़ाया जा सके, हमारे देश में रिसर्चर्स हैं उनकी संख्या बढ़ाई जा सके। इसके साथ ही यूथ है, इसके अंदर साइंस के प्रति अट्रैक्शन है, उसको प्रमोट करने के लिए बेसिकली इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल है उसको आयोजित वो किया जाता है। तो देखो इस बार देखा जाए तो विज्ञान से विकास की तरफ हम एक तरीके से बोल सकते हैं, मतलब साइंस है इससे हम डेवलपमेंट को सुनिश्चित वो कर सकते हैं, इस चीज पे फोकस ज्यादा किया जा रहा है। थीम ध्यान रखनी है हमें, साइंस फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन के लिए ही विज्ञान है, ये इसकी थीम है वो रखी गई है। कहाँ पे आयोजित किया गया, लखनऊ में। तो ये चीज भी ध्यान में रखने की लखनऊ में इसको आयोजित है वो किया गया है। ये थी आज की हमारी डिस्कशन, अब एक बार हम जल्दी से थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले देखो हमने यहाँ पे डिस्कस किया स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण अवार्ड 2018, इसके बारे में हमने देखा जो कि ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन मिनिस्ट्री के द्वारा अवार्ड है, उनको सर्वे वगैरह के आधार पर दिए गए। हरियाणा ने टॉप प्राप्त स्थान प्राप्त किया है, और जिले की बात करें तो महाराष्ट्र का सतारा जिला टॉप रहा, और यूपी के मैक्सिमम लोगों ने सब पार्टिसिपेट लिया क्योंकि यूपी में पॉपुलेशन वैसे काफी ज्यादा है। इसके साथ ही हमने डीजी यात्रा के बारे में जाना जो कि सिविल एविएशन मिनिस्ट्री का एक इनिशिएटिव है, जिसमें बायोमेट्रिक बेस्ड डिजिटल प्रोसेस को यूज किया गया ताकि पैसेंजर्स को ज्यादा दिक्कत ना हो और एयरपोर्ट पे उनको काफी सहूलियत वगैरह मिल जाए। मतलब सारे काम डिजिटल होंगे एयरपोर्ट पे ताकि जो कागजी कार्रवाई हो कम से कम हो सके। इसके साथ ही हमने जाना कि कोकण के जो आम है अल्फांस स्वाम, जिनको बेसिकली किंग ऑफ मैंगोज या हाफूस के नाम से जानते हैं, उनको भी जीआई टैग वो दिया गया है, जो कि बेसिकली महाराष्ट्र के 5 जिलों में पाए जाते हैं, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पालघर, थाने और रायगढ़ में। इसके साथ ही हमने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में जाना कि 6 मेंबर होते हैं जो कि रेपो रेट, बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट, CRR, इनकी हेल्प से महंगाई को कंट्रोल करते हैं बेसिकली। इसके अलावा इनके और भी बहुत से काम होते हैं बट मेन काम इनका महंगाई को कंट्रोल है वो होता है, और इनके जो मेंबर्स होते हैं उनको रिपोर्ट नहीं किया जा सकता, कार्यकाल 4 ईयर का होता है। इसके साथ ही हमने IISF यानी इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल के बारे में जाना, जिसकी 2018 की थीम थी वो थी साइंस फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, और लखनऊ में इसको आयोजित किया गया। मेन मोटो यही है कि साइंस के प्रति बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए जो भी उपलब्धियां हैं साल भर की उनको एक्चुअली गिनाया जा सके ताकि बच्चों का अट्रैक्शन है वो बढ़ सके। ये थी आज की हमारी डिस्कशन, फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।